हाँ विनंती करता मैडम एक घेन हंगा मुखार जे लीडर आसा तंका माचेर घेन आनीक मैडम एक विनंती करता माचेर बसपाक ताजा बरोबर आमचे सीएलबी लीडर हंगा हाजीर आसात बाब दिगंबर कामत तशेच आमचे ऑब्जर्वर श्री दिनेश गुंडूराव तंकाय विनंती करता कि ताणी हंगा बसका घेवची आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर पाविल्ले आसात ताणें बसचे बाकीचे आमचे काँग्रेस वर्कर आसात ताणी हंगा बसका घेवची सायडीन आमचे सिनियर ऑब्जर्वर बाब चिदंबरम जी हंगा पाविल्ले आसात तांकां विनंती करता ताणी बसचे तशेंच आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट बाब आलेक्स सिकेर बाब आलेक्स रेजिनाल्ड हंगा पाविल्ले आसात ताणी बसका घेवची पयली न्ही पळय हें केलो वेलकम वेलकम केलो या या मॅडमी बरोबर बसपाक आमच्यो महिला सर्त मॅंग बसा अबे नाव काढलं नाव काढलं लोकल बायला नाव है नाव काढलं नाव इंग्लिश ना कोई असे लेक्चर हो जाएगा हां 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 विनंती करता बाय अलिंडा लासेर्डा आमच्यो केपेचो प्रेसिडेंट महिलाचो ताणें हंगा येवन स्टेजीर बसका घेवची प्लीज कम ताज्या नंतर हांव मागतां बाय तुलसी वैद हाज्या कडेन आमची जावन आसा पंच खोला पंचायतीची ताणें येवन हांगा माचयेर बसका घेवची तशेंच बाय नितल फळदेसाय सरपंच फातर्पा किटल पंचायत तेज्या कडेन हांव विनंती करतां की ताणें हांगा येवन माचयेर बसका घेवची आयले आयले ओके ओके मिलाग्रिना फेर्नांडीस ज्यो जावन आसात आमच्यो पंच फातर्पा किटल पंचायतीच्यो ताणें बसची घेवची बसका घेवची जाकिना डायस आनीक नंदिता प्रभुदेसाय आमच्यो केपें म्युनिसिपाल्टीच्यो कौन्सिलर ताणें दोगांनी येवन हांगा माचयेर बसचें तशेंच मेलविता पेरेरा जे जावन आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी महिला काँग्रेस केपें ताणें हांगा बसचें आनी आमी आमचे जे पार्टीचे लिडर्स आसात तांच्या खातीर वेगळी स्टेज केल्ली आसा हांव तांकांय विनंती करता श्री पी चिदंबरम जी बाब दिनेश गुंडूराव जी बाब दिगंबर कामत गिरीश चोडणकर आलेक्स रेजिनाल्ड आनी आलेक्स सिकेरा आनी बसचे या मॅडम आशा कामत हाका विनंती करता की ताणें माचयेर बसचें सिनियर सिनियर वायस प्रेसिडेंट आमचे एम के शेख ताणें ह्या माचयेर बसचें आतां ह्या आमच्या गांवांत आज पयल्याच खेप बाय प्रियंका गांधी हांगा फस्ट टायम गोंयाक भेट दितात आनी ताणें हो आमचो गांवगिरो भाग जो ग्रामीण भाग सामको एक मागासलेलो भाग तो निवडलेलो आसा सो परत एक पाट हांव सगळ्यां कडेन मागता की ताजे ताळे वाजोवन सगळ्यांनी परत हांगा एक पाट स्वागत करचें महात्मा गांधीजीने बोलाता कि अपना भारत देश देहात में है और ये देहात के लोग ये देहात की संस्कृति यहाँ जो लोग बैठे हैं ये जो बहुत बैकवर्ड लोग है और आपने ये गांव चुना है इसलिए ये सब दे आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव चोजन दिस डेलिबरेटली चोजन दिस रिमोट एरिया सो वी आर दे हैव ऑल गैदर्ड हियर टू वेलकम यू नाउ टू वेलकम फॉर्मली आय इनवायट एडवोकेट पियेदाद जे जावन आसा आमच्या ह्या वाठारांतले एक एडवोकेट
मंदा आयला बसपाक भाई मंदा का हम विनंती करता कि ताने माचेर बसचे एडवोकेट पियादाद फेर दे एड्रेस बैड हो गए प्यादा तू यो प्रकाश यादव हाँ कोई संग में होगा लोग प्यादा तू हम बोल रहे हैं तुम बस थे हाँ तो बस तुझे फेलिसिटेशन भी आसा Himanshu, please contact Elton here and we request media to please be in the enclosure. See, there is a separate place kept for media, so kindly cooperate. Kindly cooperate. This has been kept deliberately so that we can have a performance here. Yeah. Himanshu Tivrekar, please contact us. Okay. I told them, sir. उधर आई एम नॉट मीडिया प्लीज प्रियंका गांधी जी हां ओके सुनिए कब तक कुछ कराते रहेंगे ना लाइव जा रहा हमारा हां यस 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 ये जा रहा है प्रोग्राम विशाल विशाल दूर तक आते विशाल आ गया ओए वाजे तो मार दे प्रोग्राम ओए आता तुम जम कर दौर दादा मैं कल्चरल प्रोग्राम हां डबल कर सर डबल डबल करो डबल कर सर यार ये आ जाओ
वर कला मंच हाँ पैदा पार्टिसिपंटांक आणि जातीतल्या बेगीन येवचे आणि वा दुसरा परफॉर्मन्स करतो सप्तकोटेश्वर मात्र बेगीन या तोपर्यंत हांव विनंती करता बाय सोम्या की ताणें हांगा माचयेर बशिल्ल्या आमच्या मॅडमीक फुलां दिवचीं आनी फुलांनी स्वागत करचें तशेंच ताचे बरोबर बशिल्ल्यो सगळ्यो महिला आनी दुसऱ्या माचयेर बशिल्ले आमचे काँग्रेसीचे लिडर तांकां सगळ्यांक फुलां भेटोवचीं तुमी स्टार्ट करा
I request madam to join the dancers, please. There is a request from all the tribal people. They would be very happy. Please. Especially the women who have put their hard work and gained some successes by the hands, by your auspicious hands. So on the first occasion, I would like to call Mrs. Amelia. Mrs. Amelia is a traditional folk dancer, and I am very happy to inform. Mrs. Amelia, maka aji khasiyat sananchi dista that this lady has performed before Indira ji, Rajiv ji, and now she has come before Priyanka ji. She has all the photos. So I request madam to offer her a flower. ताजे नंतर आमचे आसा बाय तेजा वेळी बघा हांव विनंती करता की ताणें बेगीन मुखार येवचें.
देन आमचे मुखार नंतर येता बाय मंदा ताजे नंतर आसा बाय मंदा निलेश वेळी बाय मंदा आनी मात्शे मुखार येवचे आमचे मदीं आसा बाय दिव्या देकर आनी ताजे नंतर आसा बाय मिलाग्रिना फेर्नांडीस जे जावन आसा आमचे टू टायम्स पंच दिव्या देकर हे MBBS स्टुडंट सो फेलिसिटेशन कार्यक्रम हांगा सोपिल्लो आसा मॅडम प्लीज बी सीटेड नाउ वी हॅव सम इंटरेक्शन ऑफ द पीपल मॅडम यहां के जो लोग है वो अपनी समस्याएं आपके सामने रखना चाहते हैं स्पेशली विमेन सो आई रिक्वेस्ट मिस दिव्या वेळी प्लीज कम फॉरवर्ड मैं आपको हमारे गांव में स्वागत करती हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है हर घर में नल है लेकिन ठीक तरह से पानी नहीं आता है सिर्फ 20 मिनट तक यही समस्या मैं आपको बताना चाहती हूँ थैंक यू मैम हाँ मैम कभी कभी थैंक यू नेक्स्ट इज मिस मंदा निलेश्वरी आणि ताजे नंतर असा मयुरी वेळी माझे नाव मयुरी मेरा नाम मयुरी विदेश्वरी है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं हमारे गांव में 100% लिटरेसी है लेकिन किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं है लोग बहुत सारे पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए हैं उनमें से मैं भी हूँ मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठी हूँ मैं काम करती हूँ लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे गांव के बच्चे जो लोग 12 पास आउट यानी कि अदर कोर्सेज भी किए हुए हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है वो लोग बहुत परेशान होके यहाँ वहाँ भटकते हैं और बुरी दिशा में जाते हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चों के लिए थोड़ा आप वक्त निकाल के उनके बारे में भी सोचो प्लीज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम प्लीज थैंक यू सो मच और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे गांव में आई थैंक यू मैम नाउ आई रिक्वेस्ट एडवोकेट पियादत प्लीज कम फॉरवर्ड गुड आफ्टरनून मैम वी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल्स इन द ईयर 2003 But the benefits which have been declared in the scheduled areas have not been implemented by the present government. If the Congress comes into power in Goa, then the benefits will be implemented in
our tribal scheduled areas or not? Only this question. Yes, I think I was just speaking to our leaders who are coming here, and they said that if we come to power, they will definitely implement that. Yes. Thank you, ma'am. Now I call Divya Vedi. Divya. Divya, please come forward. हाँ केजा मशीन मुखा रहे हो केजा गुड आफ्टरनून मैडम आप हमारे गांव में इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद हम मैं पहले मिशन पर डाकी थी अब कोविड के वजह से सभी ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए यहाँ पर नेटवर्क का बहुत सारा इशू है प्रॉब्लम है और बच्चों को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे बैठकर स्टडी करने के लिए नहीं मिलता और एक प्रॉब्लम है कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे खेलने में बहुत होशियार हैं और उन्हें एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है और वो स्टेट लेवल इंटरनेशनल नेशनल लेवल बहुत खेल कर आए हैं और उन्हें एक ग्राउंड की ज़रूरत है यही मैं हमारी समस्या है आपके सामने रखना चाहती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम सो वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड द डायरेक्शन प्लीज सो एवरीबडी प्रेफर्स हिंदी या इंग्लिश हिंदी हिंदी में बोलूं तो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने इतना सुंदर स्वागत मेरे लिए तैयार किया और खासतौर से अपनी बहनों के पास आकर मुझे बहुत ही खुशी और बहुत गर्व हुआ है वुड यू लाइक टू ट्रांसलेट ऑल्सो इन टू ऑडियो वाला एवरीबडी अंडरस्टैंड समझते हैं सब हिंदी तो मुझे बहुत गर्व हुआ यहाँ आकर और आप सबकी संस्कृति को देखकर और आप सबके साथ ये सब बातें करने के लिए तो जो जो बातें आपने उठाई हैं ये बातें सब ये जो समस्याएं हैं आपकी इनका समाधान क्या है कौन बता सकता है इनका समाधान ये है कि जो सरकार आएगी उसे आपके लिए काम करना पड़ेगा आजकल जो सरकार है गोवा में वो ऐसी सरकार नहीं है जो जनता के लिए काम कर रही है जो सरकार गोवा में है वो अपने लिए काम कर रही है वो चाहती है किसी भी हालत में सत्ता होनी चाहिए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को जो भी देना है वो दे देते हैं यहाँ पे कोल माइनिंग शुरू किया सब कुछ किया लेकिन आप जो काम कर रहे हैं जो खेती करते हैं मैंने देखे बहुत सारे काजू के पेड़ देखे आप काजू की खेती करते हो इसके लिए आपको कोई सुविधा नहीं दी गई आपने कहा कि जो शेड्यूल ट्राइब में जो आपको शामिल करने के लिए तो ये काम जो हो जाना चाहिए था पहले अभी तक नहीं हुआ है आपके यहाँ के विधायक भी शायद आप ही के यहाँ से हैं लेकिन उन्होंने भी नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आपके लिए काम करेंगे ही आपने पानी की समस्या की बात की आपने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की समस्या की बात की ये सब आपके अधिकार हैं ये जब सरकार करती है तो आपके लिए कोई एहसान नहीं करता वो सरकार की ड्यूटी है उसका कर्तव्य है कि आपके लिए करे स्कूल शिक्षा के लिए पानी सड़कें ये सब चीज़ें आपके अधिकार हैं तो जब आप सही सरकार चुनेंगे तभी ये अधिकार आपको मिलेंगे जब आप ऐसी सरकार चुनेंगे जिनको आपके अधिकारों की परवाह नहीं है जो सिर्फ किसी भी हालत में सत्ता में रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे तो इसीलिए आपको ही जागरूक बनना पड़ेगा मेरी बहनें सब यहाँ हैं समाज का सारा बोझ आप उठाती हैं आज महंगाई है आपको तेल नहीं मिल रही गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है इतनी ज़्यादा महंगाई है तो इसका बोझ कौन उठाता है आप ही उठाती हैं आप बच्चों को संभालती हैं परवरिश करती हैं आप चाहती हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने कि आपके बच्चे जैसे आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है लिखाया है रोज़गार नहीं है तो सरकार का काम यह होता है कि आपको रोज़गार दिलवाए आपको आगे बढ़ाए आपकी गाँव में समस्या है उसको सुलझाए तो आपको ऐसी सरकार चुननी ही पड़ेगी और ख़ास तौर से इस बार क्योंकि अगर गोवा को आप अपने हाथों में नहीं लोगे आप गोवा के वासी हो आपको तय करना पड़ेगा
कि हम ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे लिए काम करे, क्योंकि ये जो एक आदत बन गई है नेताओं की कि वो चुनाव के समय आपको कई कई प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं और फिर चुनाव के बाद रखते नहीं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन नेताओं को जिम्मेदार बनाएं। कांग्रेस पार्टी ने पहले करके दिखाया है, जब गोवा बना तो कांग्रेस पार्टी ने खूब मदद की, यहाँ पे जो प्रदेश बने हैं आप उसके लिए भी मेरी दादी जी थी उस समय इंदिरा जी, उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, गोवा एक अलग प्रदेश बनना चाहिए, जब आपने कहा कि अलग प्रदेश बनना चाहिए तभी गोवा एक अलग प्रदेश बना। इस तरह से जब सरकार जनता से पूछती है, समझती है कि जनता की क्या समस्या है, उसको सुलझाने का काम करती है, तभी आज जनता आगे बढ़ती है और जनता का विकास होता है। जो आपने रोजगार की बात की, जो जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं नेताओं से बात कर रही थी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के गोवा के नेता हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि 30% जो रोजगार मिलेंगे यहाँ पे, जो नौकरियाँ बनेंगी सरकारी, उसमें से 30% महिलाओं को ही मिलेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आपके लिए भी बहुत ये एक ज़रूरी चीज़ है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, आप सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचो, अपने प्रदेश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपकी समस्याओं को सुलझाती है। बाहर से बहुत सारी पार्टियां आती हैं, आजकल नई नई पार्टियां भी हैं, उन्होंने अपने प्रदेशों में क्या किया है, उन्होंने वो क्या विकास लाए। मैं दिल्ली की हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली की है, दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि सांस नहीं ले पाते, यहाँ पे आपकी जो यहाँ की जिस तरह से आपको यहाँ पे विकास करना है, आपको अपने पर्यावरण को भी बचा कर करना है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के जंगल, जैसे यहाँ ये जो सारी खेती है आपकी, यहाँ का पानी, समुंदर, इसको आपको ही बचाना है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा काम करेगी और आपकी सुनवाई कहाँ पे होगी, और वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। तो मुझे आशा है कि आप सब सोच समझ के अपना वोट देंगे, इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आप ही के लिए काम करे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। कड़ी धूप में खड़े रहकर आपने जो बात बोली वो हम कभी नहीं भूलेंगे। आणि आता हम आपयता हम तो लास्ट कार्यक्रम करपाक सुद्दळेचो ग्रुप लोकनृत्य हे सुद्दळेच्या बायलो आमच्या मुखार दवरतात एक 5 मिनटां खातीर, आणि ताजे नंतर हो कार्यक्रम सोपतलो। मेन टाइम बाब जेम्स जो एक मॅडमीक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक सोदता, हांव ताका आपयता ताणें मातशे मुखार येवचे।
थैंक यू थैंक यू। आता हम यहाँ तो मुकाबल कार्यक्रम घता मुकाबल कार्यक्रम घता फॉर्मल फंक्शन हो तो वोट ऑफ थैंक्स हाँ रिक्वेस्ट करता बाप एल्टन आका कि ताने थोड़क धाम हमारे भाषण करते बाप एल्टन सगळ्या देव बरो दीस घेऊ आजचे दिसाचे मानेस्त जनरल सेक्रेटरी एआयसीसी मिसेस प्रियंका गांधीजी माचेर आसले मानेस्त सोगली म्हज्या मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो हांव काळजांत आय वूड लायक टू से वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मॅडम फॉर युअर कायंड गॅचर टू बी हियर इन दीस विलेज अँड वी वूड बी व्हेरी ग्रेटफूल अँड द विलेजर्स ऑफ मोरपिल्ला वूड बी व्हेरी ग्रेटफूल टू हॅव युअर असिस्टन्स अँड गिव्ह अस द नेसेसरी गायडन्स and facilities for our villagers here. Once again, I thank you everyone. Everyone for coming here and gracing this occasion. Soglang tumka kalzantan, nanga aile mun kalzantan deo bare karu munta. I thank the media. Media baang soglang kanga aile. Amche press baang soglang tumka tumka kalzantan deo bare karu munta. Ya je troop aile tanka kalzantan deo bare karu munta. And soglang ja hanga ya itle gaj godun alung. तुम्ही सगळ्यांनी हातभार घाला तांकां सगळ्यांक जेवण रांगलां आनी तांकां सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा थैंक यू थैंक यू। आता निमाने शेवटार आय रिक्वेस्ट मॅडम टू एप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ ऑल पीपल एंड मीडिया हियर। थैंक यू आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया वाले हमारे दोस्त भाई बहन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आ जाए आपको भी धन्यवाद एंड नाउ वी रिक्वेस्ट मैडम टू ज्वाइन अवर किचन एंड हांव मागतां सगळ्यां कडेन आहा थिंगाच बसोन रावंक हेज्या हेज्या फाटल्यान आमचें जेवण आसतलें एक पांच मिनटान आमचें बारीकशें जेवण खाली करता बाकीचें सगळ्यांक जेवण मिडिया वील बी अलावड वन बाय वन मातशें रावात पयलीं तांकां सेटल जावं न्ही विधानसभा में जी जी। देखिए हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम गोवा के लिए एक ऐसी सरकार दिलवाएं जो गोवा के लोगों के लिए काम किया करे और जो गोवा को वापस गोवा की जनता के हाथों में दे। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनका शोषण किया है यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी हैं। आपने खुद सुना कि यहाँ पीने का पानी नहीं आता है 20 मिनट आता है एक दिन में तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार आज जो मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए नहीं काम करती वो अपने गिने चुने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं और उनमें ये सिर्फ ये जो सत्ता को रखने का
सत्ता के लिए चुनाव के समय चुनाव जीतना है वहीं तक वे सीमित हैं। उसके आगे जनता के लिए क्या करना चाहिए, विकास कैसे लाएंगे, जैसे आपने सुना पीने का पानी कैसे आएगा, यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए जो नहीं की हैं। तो कांग्रेस की का यही प्रयास होगा कि ये सब चीज़ें हम अगर सरकार हमारी बने तो हम पूरी तरह से सिर्फ जनता की सेवा में लगें और जनता की सेवा वाली सरकार हम लाएं। मैडम जो एमएलए ही यहाँ था, जो विधायक है जो पहले कांग्रेस में था 20 साल हो गया, तो वो अभी बीजेपी में गए हैं, तो पहले विकास क्यों नहीं हुआ इस गांव में? अभी जो यहाँ के विधायक है तो अभी बीजेपी में गए, तो पिछले 10 सालों की तो बीजेपी की सरकार है ना, तो आप जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार है तो विकास का करवाने का काम भाजपा का होता है। तो अगर वो चाहें तो किसी भी पार्टी का विधायक हो वो खुद कार्य कर सकता है, लेकिन जो सरकारी कार्य है वो तो सरकार ही करेगी ना, अकेले तो नहीं कर सकता वो। मैडम दिल्ली का थैंक यू।